अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दाल मखनी की रेसिपी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने दाल ले ली है उड़द की और राजमा ले लिया है उसके साथ। क्वान्टिटी हमने इस हिसाब से रखी है कि हमने डेढ़ कटोरी दाल ली है और डेढ़ कटोरी से कम राजमा लिया है। तो ये मेरी कटोरी है जब मैंने मेजर करी है, तो आप उस हिसाब से भिगो लीजिए। ओवरनाइट सोक करके रख दीजिए इसको, और आपके पास टाइम ना हो ओवरनाइट सोक करने का तो आप 3 से 4 घंटे के लिए भी दिन में सोक कर सकते हैं गर्म पानी में। चलिए दाल को कुकर में डाल लेते हैं हम, और उसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर ऐड करने के बाद हम उसमें नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच, और 1 प्याज चॉप करके डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी डालो या ना डालो। अब हम इसमें 1 स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद हम 3 से 4 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। तो देखिए दाल हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है और राजमा भी हमारा गल गया है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए ग्रेवी बनाने के लिए हम इसके लिए क्या क्या चाहिए देखते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और कुछ खड़े मसाले और 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये हमने 4 टमाटर पीस लिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई लेते हैं और उसमें हम 1 चम्मच तेल गरम कर लेते हैं। आप बटर भी ले सकते हैं यहाँ पर मैंने तेल लिया है। उसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से सोटे कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें अपने सारे पिसे हुए मसाले डाल देंगे और उसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। फिर इसमें हम टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे जब तक इसका ऑयल मसाले से अलग ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से हो चुका है। अब हम इसमें दाल ऐड कर लेंगे। दाल को मैंने थोड़ा सा चमचे से घोट लिया है, आप चाहे तो इसको कढ़ाई में भी डाल के घोट सकते हैं। और इसको हम अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और फिर इसको स्लो फ्लेम पर पकने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे।
और इसमें हम वाटर ऐड कर लेंगे। जिस हिसाब से आपको थिक रखनी है उस हिसाब से अपना पानी ऐड कर लीजिए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बटर। इसमें हम जितना चाहे बटर डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हम इसमें लहसुन का तड़का देंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया है, उसमें 3 से 4 कलियां लहसुन की चॉप करके डाल दी हैं। और ये तड़का हमारा हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर सिम पे पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और फिर हम क्रीम ऐड करेंगे। दाल मखनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे, क्रीम और हरे धनिए के साथ गार्निश कर लेंगे और ऊपर से हम इसमें मेल्ट किया हुआ बटर डालेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए, इसी के साथ अलविदा लेती हूँ और अगली बार नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।